क्या हुआ? वालेकुम फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूँ अली रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्यारे रिजवान। फ्रेंड आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल व करम में होंगे। मेरी दुआ है आप खुश रहें, आबाद रहें, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ये पहना हुआ है और आपने थंबनेल पर भी देखा ही होगा, आज हमारे घर को पेंट हो रहा है। बहुत ही पुराना हो चुका था तो सोचा क्यों ना आज हम कमरों को, जो कमरे हैं रूम जिसको आप कहते हैं, उनको न्यू पेंट करें, रंग करें, तो आज वो कर रहे हैं। तो घर की साफ़ सफाई हो रही है, उस वजह से धूल मिट्टी की वजह से मैंने ये पहना हुआ है। तो आइए आज की रूटीन आपके साथ शेयर करता हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और प्लीज़ सपोर्ट करना न भूलें। फ्रेंड यहाँ दीवारों पर बहुत धूल मिट्टी थी तो पहले दीवारों पर झाड़ू लगाया, साफ़ किए, उसके बाद ही कलर करने के लिए हमने रेडी किया। फ्रेंड झाड़ू वक्त धूल मिट्टी बहुत थी तो इसलिए मुंह पर कपड़ा लगा दिया था, धूल मिट्टी नाक में जा रही थी तो इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये देखें हमारे घर की सफाई हो रही है, इसके बाद इसको कलर करेंगे। ये हमारा कलू मिस्त्री आया हुआ है जो कि दीवारों को साफ कर रहा है। हाय कैसे हो? ये देखो हमारी छोटू सी, आपको क्या चाहिए? आज हमारे घर को रंगों का, ये मैंने फेंक दिया था, इसको छोड़ो, जो भी सामान है निकालो जल्दी जल्दी। क्या कर रहे हो? क्या करोगे इसके बाद? इसके बाद पेंट करूंगा। कहाँ पर? चले घर को। यहाँ पे कमरे में? हाँ। आज के दिन ही कर दोगे पूरा कंप्लीट? हाँ, कंप्लीट। अगर नहीं किया तो पैसे वापस? कितने लोग हैं एक कमरे के? 5,000। ओह तुम तो महंगे वाले मिस्त्री हो। तो रंग भी सुनहर आएगा। कितने दिन तक चलेगा? 5 दिन तक। बस 5 दिन। मेरे बेटे जिस सदै रखो फिक्को कलर दिवसे मन गुलाबी करे के बे कलर में करे समय चलो ये छोटा ये कलर। ये देखो कल्लू मिस्त्री का भाई छोटा सा। एक कलर तू कभी पातू है? बस थक गए। फ्रेंड दरअसल ये जो है ये मेरी कज़न का बड़ा बेटा है और मैं इसको मजाक में कल्लू मिस्त्री ही बोल रहा था क्योंकि मजाक कर रहा था। क्या कर रहे हो? रंग कर रहा हूँ। यहाँ देखो कल्लू मिस्त्री। हाय। और ये मेरा छोटा सा भतीजा है तो इसको भी मजाक में मैंने ऐसे ही बोला, जिसके वीडियोस आपने काफ़ी बार देखे ही होंगे शॉर्ट के और व्लॉग भी देखा ही होगा। Thank you.
कुछ बोलो। हेलो, हाय, हाय, हाय। बोलो बोले। क्या मैं नाम तुम्हें फ्रेंड, ये मेरा छोटा सा भतीजा, इसका नाम तो वैसे शाहनवाज है पर प्यार में हम दिलबर जानी बुलाते हैं। तो ये जोरी जिद कर रहा है कि मैं पेंट करूं, तो इसलिए ये ब्रश उठा के खुद ही दीवारों पर पेंट करने लगा है। ठीक से लगाओ, ठीक से छोटे कलू मिस्त्री। तो फ्रेंड्स, एक दीवार पर कम्प्लीटली मेरे छोटे भतीजे ने ही कलर कर दिया, पेंट कर दिया। और ये मेरा भाई है बड़ा वाला, ये भी पेंट कर रहा था दीवारों पर, सारा काम इसने ही किया। ये हम दरअसल पेंट उसलिए कर रहे थे क्योंकि घर बहुत पुराना हो चुका है और उसलिए थोड़ा सा क्यों ना चेंजिंग लाई जाए, उसलिए हमने पेंट किया दीवारों पर ताकि कुछ ना कुछ तो अच्छा दिख जाए। वैसे ये घर हमारा अपना नहीं है, रेंट पर है, तो सोचा क्यों ना ही हम इसको पेंट ही कर दें। फ्रेंड, ये देखें मेरा भतीजा की डांस, इसके काफ़ी डांस वाले व्लॉग आपने देखे ही होंगे, शॉर्ट वीडियोज। बस थक गए। नाचेगा और रंग करेगा। नाच के बताओ पुष्मा अंग। और कल मुस्तरी क्या है? नाच के बताओ। क्यों, तेरे बाप ने मुझे शादी दी है क्या? क्या हुआ? पेंट करो ना। क्यों, बस आराम कर लिया? ओके, शाबाश, जाके पेंट करो। अभी पूरा रंग किया ही नहीं और पैसे लेने लगे। कलू मिस्त्री को पेमेंट मिल गई। दूसरे शाम को मिलेंगे जब कलर हो जाएगा। कलू मिस्त्री रो रहा है। मैगी वटी खा, आइसक्रीम कम तो मैगी चीज भैया। क्या खाओगे, आइसक्रीम? यहाँ पर मेरा भतीजा जिद कर रहा है भाई से कि मुझे पैसे दो, मुझे आइसक्रीम खानी है। लेकिन मेरे भाई ने बोला नहीं, आइसक्रीम नहीं, और कुछ चीज़ वगैरह लेके इसे खाओ।
चीज़ खाओ, मगर आइसक्रीम नहीं, क्योंकि तुम्हारा गला ख़राब हो जाएगा सर्दी की वजह से। वैसे भी मेरे भतीजे की तबीयत सही नहीं थी, वो कल दवाई लेके आया था, सर्दी लग गई थी, गले में दर्द ज़ुकाम हो गया था, तो इसलिए मेरे भाई ने बोला नहीं आइसक्रीम नहीं, आपको जो खाना है तो कुछ और खाओ लेकिन आइसक्रीम नहीं। तो मेरा भतीजा इसलिए रो रहा है कि मुझे पैसे दो मैं आइसक्रीम लेके आऊं, 120 रुपए दो तभी आइसक्रीम मिलेगी, मैं वो लेके आऊं, इसलिए रो रहा है। क्या खाओ क्या आइसक्रीम या मैगी? बड़ा ही क्यूट है, जोरी जिद कर रहा है कि मुझे 120 रुपए दो मैं आइसक्रीम लेके आऊं।